नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर एस एफ संस्था है जो पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करती है। उस लिहाज से हिंदुस्तान में पत्रकारों की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 148वें पायदान पर भारत है, यानी भारत पत्रकारों के लिहाज से उतना सुरक्षित मुल्क नहीं। तो अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते दिनों कुछ रेलवे पुलिस कर्मियों ने एक पत्रकार की बेदर्दी से पिटाई की थी। ऐसी तस्वीरें अमूमन आए दिन आती हैं, लेकिन बीते दिन सागर जिले के सायगढ़ में जिस अंदाज में पत्रकार को जिंदा जलाया गया, ना सिर्फ बेहद शर्मनाक है बल्कि 48 घंटे बाद भी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि मसला क्या है। अगर 80% पत्रकार जलता है तो फिर किसने जलाया? तमाम सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों के जवाब लेने आज पत्रकार जो है पुलिस कप्तान से मिले थे। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं। पुलिस इस मामले में कितना अच्छा काम कर रही है, सवाल कहाँ से? सबसे पहला सवाल यही है कि पत्रकार से हमेशा पुलिस और प्रशासन प्रताड़ित रहता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखकर ये समझ में आ रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब कहीं भी कोई भी झगड़ा होता है, किसी एक व्यक्ति की मौत होती है तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगता है। यहाँ अभी तक 48 घंटे होने के बावजूद भी पत्रकार की हत्या का मामला बना हुआ है और अमन चौधरी पे मामला कायम नहीं हुआ। पुलिस सिर्फ और सिर्फ जांच का आश्वासन देकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के प्रयास में लगी हुई है, और हम पत्रकार सारे मिलकर इस आवाज को बहुत आगे तक ले जाएंगे और हत्या के मामले में अमन चौधरी को सजा दिलवाएंगे। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, अभी ये अधीक्षक महोदय से बात हुई थी, एक साल पहले भी उसने आशंका जाहिर की थी कि अमन चौधरी से मार सकते हैं। अमन चौधरी ने पत्रकार साथियों के साथ एक ज्ञापन दिया था आईजी साहब को, तत्कालीन आईजी जो थे, कि हमें अमन चौधरी से जान माल का खतरा है, इससे हमें सुरक्षा दिलवाई जाए या गार्ड दिलाई जाए। इस संबंध में उसने पर हुआ कुछ नहीं, मामला लेते गए, रफा रफा हो गया। यहाँ ये चल रहा है कि सुनो जो षड्यंत्र पत्रकार के खिलाफ चल रहा है, पत्रकार चूंकि हमेशा लिखने में वो दबंग था, हमेशा लिखता था, जहाँ गलतियाँ होती थी वहाँ वो चूकता नहीं था लिखने में, भ्रष्टाचार को उजागर उसने किया था मन के, इसलिए उसने 3-1-10 लगवाई है और अब ये हत्या भी उसकी सुनो तरीके से की गई। आप अभी बात हो रही थी शायद तौर पर 48 घंटे तकरीबन हो गए, लेकिन अभी कोई नतीजे पे पुलिस नहीं पहुंच रही, क्या मानते हैं पुलिस का कार्य प्रणाली क्या है इस मामले में? सायगढ़ थाना पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले चरण से घटना के तत्काल वास्तविक संदिग्ध में रहे। एक व्यक्ति जो 20% जलता है उसके मरणासन्न कथन हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति भले ही वो आरोपी है लेकिन 4 घंटे तक उसकी कोई जानकारी नहीं लगती, पुलिस उसको खोजने का प्रयास नहीं करती। 80% जला हुआ व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, उसके मरणासन्न कथन नहीं होते, उसके लिए किसी पुलिस वाले ने भी कोई कथन नहीं लिया। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो जाँच थी वो तो संदिग्ध थी। कुल मिलाकर इस मामले में अमन चौधरी का जो कमाया भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है वो बहुत असरकारक है। पत्रकार के मामले को यहाँ दबाने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस सागर पुलिस खासतौर से चक्री डैम के खिलाफ बनी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें TI के खिलाफ समाचार आया था, इस मामले में TI से संबंधित पत्रकार के द्वारा सागर से भी बात की गई थी और उसी दिन से TI साहब उससे नाराज चल रहे थे, और जब ये घटना हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना इस मामले में वो आक्रोश दिखाया है। कुल मिलाकर अमन चौधरी ने जो सुनियोजित तरीके से पत्रकार की हत्या की है, और हम सभी पत्रकार साथी ये चाहेंगे कि अमन चौधरी के खिलाफ 300 का मामला जो है कायम हो और उनके सहयोगियों के लिए भी गिरफ्तार किया जाए। तो बिल्कुल, अगर कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में मरता है और वहाँ ना तो पुलिस पहुँच पाती है ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी पहुँच पाता है, तो लिहाजा कानून ये कहता है कि जिस मरते दम व्यक्ति ने जिस व्यक्ति से अगर बात की हो वही मरणासन कथन है, ये कानून की दलील है। हम और पत्रकारों से मुखातिब हो गए, जी बिल्कुल, ये जो मामला है इन दोनों के बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था और इस घटना में दोनों ही लोग जले हुए हैं, इससे बिल्कुल ये साबित होता है कि इनके बीच में विवाद था और इस घटना में दोनों ही दलित थे और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो खत्म हो गया, वो ज़्यादा वो क्या चाहते हैं आप पत्रकार जी इसमें
न्याय होना चाहिए, सीधे सीधा हत्या का मामला, हत्या का मामला है। हमारे साथ और पत्रकार क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें जो है मजिस्ट्रेट की जाँच होनी चाहिए, स्वतंत्र पैनल भी शामिल हो इसमें, सभी लोग हों, क्योंकि जिस प्रकार के तथ्य यहाँ सामने निकल के आ रहे हैं उसमें पुलिस की भूमिका बहुत संदेहनीय है। और ऐसी स्थिति में एक पत्रकार का अपनी कलम के तौर पर जो काम करते हुए जाना बेहद दुखद है, और इस पूरे मामले की न्याय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल न्याय जांच होनी चाहिए, आप मानते हैं न्याय जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 48 घंटे में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, कोई नई कहानी है कोई पुरानी कहानी है, लेकिन इसमें से वीक पॉइंट्स काफ़ी निकल के आ रहे हैं। संदेह का मामला है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल न्यायिक जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं चक्रेश की मौत का जिम्मेदार सिर्फ उस अधिकारी को नहीं मानता हूँ, चक्रेश की मौत का जिम्मेदार वो थाना प्रभारी भी है जिसने 5 घंटे उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर शायद उसको ढूंढ लिया होता तो वो आज जिंदा होता और उसके बयान हमारे सामने होते। बिल्कुल, अगर हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रिपोर्टिंग की कराई थी काफ़ी टाइम, अगर इस तरह के मामले आते थे क्या पुलिस पहले करती रही, अब क्या करते हैं? ये घटना बहुत निंदनीय है, पुलिस ने जांच में निश्चित रूप से देरी की है, 4 घंटे तक पुलिस पूरा मामला दबाए रही है, बिल्कुल निश्चित जांच होना चाहिए, पीड़ित परिवार को शासन से सहायता मिल जाए और पत्रकारों को इस तरह से मामले एकजुट होने की जरूरत है। तो बिल्कुल, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की अगर तस्वीर देखें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, कोई कानून बनना चाहिए। कमलनाथ भी ये दलील देते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बने, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन हमें मालूम है इस देश में और दुनिया में जब जब पत्रकारों की हत्या होती है तो लोकतंत्र के लिहाज से कहा जा सकता है कि उस देश में अराजकता बढ़ती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। न्यूज़ के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।